तक आपने विद्युत विभव, विभवांतर और किए गए कार्य तथा आवेश के रूप में विभव को परिभाषित किया। इसके बाद हम किसी बिंदु पर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। इस व्यंजक में गणना करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, ये बिंदु ओ है और यहाँ प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु से कुछ दूरी पर यहाँ बिंदु ए है जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। बिंदु ए से कुछ दूरी पर बिंदु बी है और यहाँ ए और सी के बीच में बिंदु सी है, ए और बी के बीच में बिंदु सी है। बिंदु बी पर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आने से कारण जो बल कार्य करता है, मान लीजिए प्लस क्यू जीरो आवेश यहाँ बी पर स्थित है, तो इस पर जो बल एफ कार्य करता है वो इस दिशा में होगा, इसकी ये दिशा होगी। माना कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु ए की दूरी स्मॉल आर है, ये दूरी स्मॉल आर, और प्लस क्यू आवेश से बिंदु बी की दूरी यानी ये दूरी एफ से, और ये भी मान लेते हैं कि ये जो बी से सी तक की दूरी है ये सूक्ष्म दूरी है, ये डी एक्स है, ये सूक्ष्म दूरी है और इसको हम डी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर जो कि बिंदु ओ से आर दूरी पर है विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने बिंदु बी पर प्लस क्यू जीरो आवेश मान लिया। प्लस क्यू जीरो आवेश पर प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल एफ है जिसकी दिशा सामने की ओर होगी और ये इस ओर अनंत दूरी तक बल की दिशा। ये दूरियां जो है चित्रानुसार ये आर है, ये एक्स है यानी बिंदु ओ से बी तक की दूरी, बी तक की दूरी एक्स हो गई और ये स्मॉल जो सूक्ष्म दूरी है बी से सी तक की वो डी एक्स है। हम कूलॉम के नियम से ये जानते हैं, कूलॉम बल के नियम से एफ इक्वल टू होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आर है तो ये बल के लिए सूत्र हो जाता है। हम ये क्यू वन क्यू टू फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, आगे इसके रूप में चेंज करेंगे क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस चित्र के लिए जबकि एक प्लस क्यू आवेश है, दूसरा प्लस क्यू जीरो आवेश है और इनके बीच की दूरी एक्स है, तो ये बल कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ये वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बीच की दूरी एक्स है। अब ये बल आ गया। अगर हमें विभव की गणना करनी है तो विभव के लिए हमें दो चीजें चाहिए। अगर यहाँ विभव निकालना है तो विभव के लिए हमें कार्य चाहिए और आवेश, क्योंकि इन दोनों का अनुपात, कार्य और आवेश का अनुपात विभव को परिभाषित करता है। तो कार्य निकालने के लिए हम बिंदु बी से बिंदु सी तक यानी ये डी एक्स दूरी, अगर प्लस क्यू जीरो आवेश को हम ये डी एक्स दूरी विस्थापित करेंगे तो जो कार्य किया जाएगा उसकी गणना कर लेंगे। और गणना करने के लिए बिंदु बी पर स्थित
प्लस क्यू जीरो आवेश को बिंदु सी तक लाने में किया गया कार्य। बराबर बल इंटू दूरी से ज्ञात हुआ, बल हम ऊपर कर चुके हैं और दूरी यहां dx है तो बल इंटू दूरी करके ये कार्य ज्ञात किया जाएगा। बिंदु C यहां ये कट हो रहा होगा F CM, तो किया गया कार्य बल इंटू दूरी, ये बल हो गया, बल है 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू जीरो अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू दूरी माइनस डी एक्स। यहाँ दूरी माइनस डी एक्स इसलिए ली गई है क्योंकि हमें सी से डी की ओर यानी हमें प्लस क्यू आवेश की ओर प्लस क्यू जीरो आवेश को लाना है, इस परीक्षण आवेश को हमें अपनी ओर इस ओर लाना है, प्लस क्यू आवेश की ओर लाना है, अनंत से इस ओर लाना है। तो हमें जब बी से सी की ओर लाने में किया गया कार्य याद करेंगे तभी हम अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य याद कर पाएंगे, इसलिए हम ये दूरी माइनस में लेंगे क्योंकि हम अपने प्लस क्यू आवेश की ओर आ रहे हैं, अगर इसे दूर ले जाते तो ये दूरी प्लस में लेंगे। ये किया गया कार्य बल इनटू दूरी से आ गया। अब अगर मान लीजिए हमें पूरा कार्य याद करना है, ये संपूर्ण कार्य जो अनंत से लेके ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, तो यह कार्य ज्ञात करने के लिए इसलिए अनंत से बिंदु ए तक प्लस क्यू जीरो आवेश को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर क्यू क्यू नॉट अपॉन एफ स्क्वायर इंटू माइनस डी एक्स इक्वल टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट कितना बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये अंदर है। इंटीग्रेशन समाकलन मैथ में पढ़ा है आप लोगों ने, तो 1/x² इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इक्वल टू माइनस से बाहर ले लेंगे माइनस 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है
इसकी वैल्यू 1/h होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन के फॉर्मूले से ये इक्वल टू होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। W इक्वल टू 1/4πε0kQ0 इंटीग्रेशन ऑफ (1/x²dx) प्लस क्यू डी नॉट ऑबियस के बीच में ये के प्रणाली सिद्धांत का माध्यम रखा हो। अगर इसके स्थान पर वायु अनुवाद हो तो वायु या निर्वात के लिए के इक्वल टू 1, इसलिए वी इक्वल टू 1/4πε0Q/R या वी इक्वल टू 9×10⁻⁹Q/R वोल्ट। ये जो है हमें व्यंजक प्राप्त होता है। डीएफ इक्वल टू -10 था 1/4πε0kQ0 ये 1/x और लिमिट इंफिनिटी टू R, लिमिट का मान रख देंगे ये हो जाएगा 1/4πε0k×Q0। पहले इन्फिनिटी रखेंगे, ऊपर अपर लिमिट पहले रखी जाती है, उसमें से माइनस लोअर लिमिट की जाती है, तो पहले आर रखेंगे तो 1/x और माइनस में 1/∞ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/∞। इस प्रकार से प्राप्त होगा 1/4πε0kQ0R। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर विभव वी इक्वल टू W/Q0 = W की वैल्यू है, ये रख देंगे 1/4πε0kQ0R/Q0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद V की वैल्यू आएगी 1/4πε0k×Q0R
क्यू अपॉन आर, ये तब है जबकि क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू डॉट आवेश के बीच में